इनेलो पार्टी के बीच चल रही खींचतान के बाद दुष्यंत चौटाला के साथ पूरा परिवार खड़ा नजर आ रहा है। राजनीति में नया प्लेटफॉर्म की तैयारी में दुष्यंत दिग्विजय और उनके डबवाले से विधायक उनकी मां नैना चौटाला नजर आ रही हैं। आज नैना चौटाला साढ़ोरा में हरी चुनरी हरी चौपाल कार्यक्रम में पहुंची थी। नैना चौटाला कार्यक्रम में जैसे ही पहुंची तो सीएम की मम्मी आई के नारों से पंडाल गूंज उठा। वहीं नैना चौटाला ने बताया कि नई पार्टी के गठन को लेकर प्रक्रिया जारी है। लोगों की उम्मीद और राय के मुताबिक पार्टी का नाम और झंडे का रंग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। मैं तो बार बार कहती हूँ कि मैं एक माँ हूँ, मैं सिर्फ उसको दुआएं दे सकती हूँ, उसके अच्छी कामना कर सकती हूँ उसके लिए। मैं उसको सीएम नहीं बना सकती, सीएम बनाएगी हरियाणा की जनता। और आज जो जनता की आवाज़ है वो दुष्यंत है। वो परिवार में आपस में दिरानी जेठानियों का कभी मुकाबला नहीं होता, और जो प्रोग्राम है सबको अधिकार है, कौन मना कर सकता है किसी को, खुल के करो। तो जो आपने दिया था पहले दिया था कि अबे चौटाला जी की चोटी में से पसीना निकाल देंगे, वो तो निकाल के दिखाएंगे हम लोग। आज भी मैं कह रही हूँ, बिल्कुल 9 दिसंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, पसीना तो आया हुआ है ना, तभी बराबर लाल आके महिला चौपाल कर रहे हैं, वरना क्या जरूरत थी। हम नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, हमारा नया झंडा होगा, नया डंडा होगा, नई पार्टी होगी, सब कुछ अपनी। अब जब रास्ते अलग हो जाते हैं ना, तो सबको अधिकार है, जो उनका मन वो कर। आज हम आज़ाद हैं, जो मन उनका करता है वो करे, जो हमारा करेगा हम करेंगे। अब किसी की बंदिश ही नहीं है इन चीज़ों में। देखो किसानों की मैं कहूँगी, आज के दिन बीजेपी की सरकार में जो किसानों की दुर्गति है ना, मुझे लगता है कभी भी नहीं हुई। किसानों ने सबसे ज़्यादा, तभी तो ताऊ देवीलाल को आज याद करते ना, जो किसानों ने राज और सुख भोगा है वो चोई देवीलाल के राज में भोगा है। आज दुष्यंत में जो लोग एक चेहरा देखते हैं ना दादाजी का, उनको भी एक अच्छी उम्मीद है कि अगर, क्योंकि वो लोकसभा में किसानों की आवाज़ उठाता है बहुत ज़्यादा, तो लोगों को एक उम्मीद है बहुत ज़्यादा। और बीजेपी सरकार में तो हर वर्ग की दुर्गति है, हर तरह से ये सरकार फेल है बिल्कुल।